मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती थी। वो कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो बहुत खुश रहता था अपने परिवार के साथ, यहाँ पे वहाँ पे बहुत अच्छा मजे में। उसके बाद में एक ऐसी स्टेज आई जब उसकी लाइफ में जब उसके अंदर लालच आ गया और उस लालच की वजह से उसने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, पूरी दुनिया के साथ, सिर्फ अपने फायदे का सोचने लग गया और धीरे 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 सबसे अलग हो गया, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों से भी लड़ाई झगड़ा करने लग गया। तो जब उसकी लाइफ के कुछ आखिरी सेकंड्स बचे हुए थे ना, जब वो जाने वाला था इस दुनिया से, तो उसकी आंख से आंसू निकले जा रहे थे। वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, और आखिरी वर्ड्स जो उसके मुंह से बाहर आए वो थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो चला गया इस दुनिया से ये बोलकर। जब मैं वो कहानी सुनता था मैं हमेशा ये सोचता था कि भाई जब मेरे वो लास्ट मोमेंट होगा लाइफ का तो मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा अपने, जब मेरी लाइफ के वो आखिरी सेकंड्स होंगे ना, आंसू निकल रहे होंगे, रो रहा हूँगा लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे, और रोते रोते मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, बस हंस रहा हूँगा, और मन में ये चल रहा होगा यार मज़ा आ गया, क्या जिंदगी थी।